नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। कर्नाटक में सिख छात्रों का पगड़ी उतरवाने के मामले को लेकर जमशेदपुर में सिख समुदाय में नाराजगी है। रविवार को जमशेदपुर में सिखों ने पीएम मोदी और कर्नाटक सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पीएम मोदी के सिख प्रेम को ढोंग बताते हुए विरोध किया है। प्रदर्शन कर रहे सिखों ने बताया कि एक तरफ प्रधानमंत्री सिखों का पगड़ी पहनकर सिखों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, वहीं कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार है और वहां सिखों का अपमान किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा और पीएम मोदी का दोहरा चरित्र साफ झलक रहा है। प्रदर्शन कर रहे सिखों ने देश के सिखों के स्वाभिमान की रक्षा करने को लेकर प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है, वहीं दोबारा सिखों को अपमानित किए जाने पर जोरदार विरोध करने की चेतावनी भी दी है। इस चीज के बारे में सबको पता ही होगा कि कर्नाटक में एक स्कूल प्रबंधक ने सिखों की पगड़ी के ऊपर सवालिया चिन्ह लगा दिया। एक सिख बच्ची और एक बच्चा जो है पगड़ी पहन के जब स्कूल जा रहा था तो उसे रोक दिया गया कि आप पगड़ी पहन के स्कूल में नहीं जा सकते। तो मेरे को ये नहीं समझ आता, कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक तरफ प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री पंजाब में वोट मांगने के लिए पगड़ी बांध के जाते हैं कि हमें वोट दीजिए और पगड़ी की महानता भी बताते हैं। पिछले दिन ही प्रधानमंत्री जी ने देश के अलग अलग इलाकों से सिखों को बुलाया था, सिखों की जत्थेबंदी को बुलाया था और ये बताया था कि हमें मान महसूस होता है कि आज सिखों के चलते ये जो देश है वो बचा हुआ है। पर आज सिखों के इस पगड़ी के ऊपर ककारों के ऊपर सवालिया निशान क्यों लगाया जा रहा है बार बार? संविधान में क्लियर लिखा, या तो जो लोग इस तरीके का कटास करते हैं वो संविधान नहीं पढ़े हैं या संविधान को मानते नहीं, तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं पूरे खुले तौर पर ये कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी हो, सिखों की पगड़ी के ऊपर अगर कोई भी उंगली उठाएगा तो उसको उसका विरोध जो है वो झलना पड़ेगा। आज आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह हम लोग इस चीज के लिए, हम लोग आज इस चीज के लिए एक रोष मार्च जो है वहाँ निकालेंगे, यहाँ से बड़ा कोई चक्कर तक जाएगा सांची तक, और हम लोग ये बताना चाहते हैं सरकार को कि हमारी पगड़ी के साथ या हमारे ककार के साथ किसी तरीके का जो है हम लोग गलत चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना नाम बताइए। हरविंदर सिंह। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।